हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक नए मोबाइल रिचार्ज एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आप भी दूसरों का मोबाइल रिचार्ज करके पैसा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा मोबाइल रिचार्ज एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिससे आप किसी भी सिम का रिचार्ज कर सकते हैं, उसी के साथ उस पर जो कमीशन मिलता है उसको कमा सकते हैं। दोस्तों यह एप्लीकेशन कौन सा है और आप इसे कैसे यूज करेंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस रिचार्ज एप्लीकेशन का नाम है ऑल रिचार्ज रिचार्ज ऐप। यहाँ पे इस एप्लीकेशन को देख सकते हो 4.2 की एक शानदार रेटिंग मिली हुई है और इसे अभी तक 1,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, यानी इसे 1,00,000 से भी ज़्यादा लोग अभी इसे यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको आपके मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट करेगा और आपको यह एप्लीकेशन कुछ इस तरह का दिख जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन दिया होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज है वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको रजिस्टर करने के लिए अपना जो मोबाइल नंबर है उसको टाइप करना होगा। यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी डालकर आप यहाँ पे वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी यानी अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको फिल करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपना यहाँ पे नाम, अपना एक ईमेल एड्रेस यानी अपना एक ईमेल आईडी और यहाँ पे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो रेफरल कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऑल रिचार्ज एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड पेज है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ऑल रिचार्ज एप्लीकेशन में सर्विसेज की बात करें तो आप यहाँ पे प्रीपेड रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, गूगल पे, फास्टैग, लैंडलाइन और वाटर जैसी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने का मेन मकसद रहता है उसकी कमीशन की, तो यहाँ पे कमीशन चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप प्रीपेड रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी जैसी सर्विसेज को यूज़ करने पर कितना कमीशन पाएंगे यहाँ पे दिया है। जैसे कि एयरटेल का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 1% का, जियो पे 1% का, वीआई पे 3% का, बीएसएनएल पे 4% का और यहाँ पे डीटीएच में 3% का कमीशन है। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अगर आप परचेस करते हो तो आपको कमीशन बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको 1,000 रुपये पे करने होंगे और आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे आप 10 रिटेलर आईडी को मैनेज करेंगे और उनसे होने वाले रिचार्जेस पर आप 0.5% का कमीशन एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेफर और अर्न का प्रोग्राम है, आप यहाँ पे अपने दोस्तों को रेफर करते हैं और आपका दोस्त इस रेफरल कोड से अपनी आईडी बनाता है तो आपको पर रेफर का 5 रुपये यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे किसी भी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके वॉलेट में पैसे होने चाहिए, तो यहाँ पे पैसे ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना अमाउंट है उसको टाइप करेंगे। दोस्तों जितना अमाउंट आपको ज़रूरत हो अपनी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, जैसे कि मान लो एक आप रिचार्ज कर रहे हो 209 रुपये का, तो आप 209 रुपये ही ऐड करें। अमाउंट टाइप करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जिसमें आप यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और यूपीआई के माध्यम से अपना जो बैलेंस है उसको वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी यूपीआई को यहाँ पे चुनते हैं तो उसमें रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ से आप पेन डालकर पेमेंट करेंगे तो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली ऐड होगा आपको यहाँ पे इनवॉइस मिल जाएगी कि आपका यहाँ पे 50 रुपये का अमाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है और आपकी जो डिटेल्स है वो भी शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको प्रीपेड का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर है उसको टाइप करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपका ऑपरेटर और सर्कल है ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपका ऑपरेटर सही सिलेक्ट नहीं है, जैसे कि आपकी सिम एयरटेल की, अगर यहाँ पे जियो आता है तो आप यहाँ पे एयरटेल को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका सर्कल है अगर सही नहीं है, आप किसी अदर स्टेट से हैं तो सिलेक्ट सर्कल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सारे सर्कल देखने को मिल जाएंगे। आप अपने सर्कल पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रिचार्ज हैं वो इसी रीजन से फेल हो जाते हैं, या तो उनका जो ऑपरेटर है वो सही सिलेक्ट नहीं होता है या सर्कल सिलेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे उन लोगों का पेमेंट भी हो जाता है और रिचार्ज भी नहीं होता, वो रीजन यही होता है। आप अपना ऑपरेटर सर्कल सही से सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर स्मार्टफोन या आप जो भी पॉपुलर प्लान्स हैं उनको यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 199 का यहाँ पे रिचार्ज करने वाला हूँ। यहाँ पे पहले तो फाइंड कर लेता हूँ स्मार्टफोन, जैसे कि मैं इस रिचार्ज को करने वाला हूँ तो यहाँ पे मुझे 18 दिन की वैलिडिटी मिलती है और 1.5 GB का पर डे डेटा मिलेगा और 100 SMS मिलेंगे, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा 199 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का शो करेगा कि आपको कितना यहाँ पे मार्जिन मिलेगा और यहाँ पे आपने इस प्लान को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे प्रोसीड विद पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 199 का जो रिचार्ज मैंने किया वो सफल हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ से डायरेक्टली भी कंप्लेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।